मंत्री और नवागढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर बुधवार की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इससे उनके काफिले में चल रही गाड़ियों का शीशा टूट गया और अंदर बैठे कुछ सुरक्षा कर्मियों को मामूली चोटें आ गई। हालांकि गुरु रुद्र कुमार पूरी तरह से सुरक्षित है। गुरु रुद्र कुमार नवागढ़ के ग्राम झाल में जनसंपर्क कर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ उपद्रवियों ने उनके काफिले पर पथराव कर दिया। घायल सुरक्षा कर्मियों का नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया गया। बेमेतरा SP भावना गुप्ता ने बताया कि मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर उस समय हमला हुआ जब वह झालगांव में एक कार्यक्रम से हिस्सा लेकर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुरु रुद्र कुमार, वो झालगांव में एक कार्यक्रम में थे। जब गाड़ी वहां से अपने निजी वाहन से वापसी कर रहे थे, वहीं कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी पे पथराव किया गया है, जिसमें गाड़ी का कांच जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। तो इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए भी पृथक से आवेदन ले लिया गया है और स्थानीय सुरक्षा जो है बढ़ाई जाएगी।